हेलो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं हाइपर लिंकिंग टैग्स HTML में। हाइपर लिंक सेम वैसा ही है जैसा कि आप हाइपर लिंक यूज करते हैं MS वर्ड में। एक ऐसी लिंक बना दिया करते हैं कि जिस पे आप क्लिक करते हैं तो आप किसी दूसरी फाइल में इंटर हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। तो ये आपका HTML में कैसे यूज होता है? HTML में यूज करने के लिए सबसे पहले आप करते क्या हैं, आपको देखना होता है कि आपके पास जितने भी आइकन्स बने हैं, जो आपका वेब पेजेस बना है HTML का यूज करके, आप उनका नाम देखते हैं। ये देखिए, आप नाम ये देख रहे हैं। और हम जाएंगे एक HTML पेज पे जो हम नया बना रहे हैं लिंक करने के लिए। हमने कोडिंग्स पहले से ही लिख रखी हैं तो हम यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। ये हमने पेस्ट किया। अब लिंक के लिए केवल और केवल एक जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, जिसको हम टैग बोल सकते हैं, वो होता है आपका ए। देन आपको करना क्या होता है, आपको करना ये होता है कि वो जो आपकी आइकन्स बने हैं उनके आपको नाम लिखने हैं। हब, अगर मान लीजिए आप जो अभी फाइल बना रहे हैं, जो आप वेब पेज अभी बना रहे हैं, उसे अगर आप हब नाम के वेब पेज से अगर लिंक करना चाहते हैं तो आपको HUB लिखना होगा यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे HUB, जैसा कि वो आपका वेब पेज किस एक्सटेंशन में लिखा गया था, वो लिखा गया था HTML। बस आपको इतना कर देना है एंड ये आपका लिंक हो चुका है। आपको यहाँ पे कुछ लिख देना है, आप लिंक लिख सकते हैं, या फिर आपको बहुत बार बोला जाता है कि आप लिंक ही लिखा करिए, तो लिंक भी लिख सकते हैं या फिर आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं कैसा, ओके, कैसा, क्या, कहाँ। मैं ऐसे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाए, मैं आपको समझा पाऊँ कि आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। आप जो भी लिखेंगे X, X, Y, Z, वो सब लिंक में आ जाएगा, एक लिंक की तरह दिखेगा, और आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप नए वेब पेज पहुँच जाएंगे। ओके, कुछ इस तरह से। चलिए हम इसे सेव करते हैं और इसका हम नाम देखते हैं AAA AAA, हम देते हैं, और .html हम सेव कर देते हैं डेस्कटॉप पे। ये देखिए हमने सेव किया डेस्कटॉप पे। AAA किधर है, मुझे दिख नहीं रहा अभी, इधर ये रहा। तो आप इसे जब ओपन करेंगे आप ये देख सकते हैं, एक ये देखिए एक लिंक आ चुकी है, कैसा, क्या, कहाँ, XYZ। आप उस लिंक के स्थान पे जो भी लिखते हैं वो यहाँ पे लिखा आता, लेकिन जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप उस वाली वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। ये देखिए, और हम यहाँ पे एक बार कन्फर्मेशन के लिए यहाँ पे क्लिक करके देखें क्या हब वेबसाइट वही है। ये देखिए, हाँ वही है। तो इस तरह से हम किन्हीं दो वेबसाइट्स को लिंक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं एक और लिंक आ जाए जिससे कि हम AAA जो अपना वेब पेज है उससे हम द अभी को भी हम लिंक कर दें, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको जाना होगा आपके सोर्स कोड पे जो आपको नोट पैड पे है। सेम फार्मूला, सेम टैग आपको देना है, सेम टैग जैसे आप यूज करेंगे, उसका नाम था द अभी .html। देन ये आपका देखिए कर लिया, अब यहाँ पे हम दे रहे हैं क्लिक हेयर टू कनेक्ट विथ, कैसा भी कुछ भी लिख सकते हैं। सेव करते हैं, सेव किया, डेस्कटॉप पे देखते हैं, लेकिन अभी अपना कैसा है कुछ इस टाइप का है। हाँ, अपने वेब पेज पे गए, देखिए दो लिंक्स आ गई हैं। ये देखिए, एक ये है, एक ये लिंक है, इस पर क्लिक किए दाबी पे पहुंच गए। और अगर उस पर नहीं करते, हम दूसरे पे करते हैं, ये देखिए तो दूसरे पे पहुंच गए। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो अपनी लिंक्स हैं ये काफ़ी क्लोज हैं, लग रहा है कि एक में जुड़ी हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये लिंक्स कुछ डाउन आ जाए और नीचे आ जाए, एक ऊपर एक और नीचे आ जाए, इसके लिए आपको करना क्या होगा, एक आपका टैग यूज होता है BR।
उससे क्या होता है ना, ये देखिए जैसे मैं यहाँ पे बी आर जितना डाउन करना चाहें उतना आप लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो आपका कैरेक्टर है, जो आपकी फॉन्ट्स कंटेंट ऊपर लिखा है, वो एक के बाद एक डाउन आ जाएगा। ओके, चलिए हम सेव कर लेते हैं। हमने सेव किया, डेस्कटॉप पे गए, अपने वेब पेज पे गया। ये देखिए एक लिंक इधर एक लिंक इधर, हम इससे कनेक्ट हैं, दोनों से हम कनेक्ट हैं। ओके, अगर आप चाहते हैं कि ये जो अपना वेब पेज है, बार बार देखिए, मैं यहाँ जैसे मैं यहाँ क्लिक किया, दबी पे पहुँच गया, मुझे बार बार क्लोज करना पड़ रहा है। आप चाहते हैं कि आप यहाँ पे क्लिक करें और सीधा पहुँच जाएँ ए ए ए, जो आपका वेब पेज है, मीन्स तीनों को एक दूसरे से आप कनेक्ट करना चाहते हैं, ओके हो जाएगा। उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए आपको करना ये है, जो आपका सामने वाला जो वेब पेज है उसकी भी कोडिंग में थोड़ी आपको सुधार करना होगा। आप जाएंगे अपने विथ नोट पैड करिए और यहाँ पे सेम फार्मूला यूज कर लीजिए कहीं पे भी। इसलिए हम आर्क्यू के नीचे करते हैं, यहाँ पे ये देखिए हम ए की HTML की देन क्लिक में भी कर लेते हैं और इसी का हम लिंक करना चाहते हैं। चलिए हम हब नाम के जो अपना वेब पेज है उससे भी, तो उसके लिए भी हम सेम ही करेंगे। हम ऐसा कर लेंगे AHREF और यहाँ पे हम उसका नाम दे देंगे दूसरी वाली साइट का जो अपना वेब पेज है। अगर आप चाहें तो आप हब के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। ओपन विथ करिए, नोट पैड पर जाइए, आपके साथ में कोडिंग आ जाएगी उसकी, आप यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए हम सबसे नीचे ही करते हैं यहाँ पे। देन यहाँ पे ए आपका है दा अभी। .htm या HTML कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे दा अभी क्लिक्स कुछ भी लिख देते हैं। चलिए अब हम सेव कर दिए। अब इससे होगा ये कि अगर हम किसी एक भी पेज पे जाएंगे तो हम एक दूसरे पे सीधा हम जंप कर सकते हैं, हम किसी पे भी जा सकते हैं। कहने का मतलब देखिए, जैसे मैं अपनी ए वेब पेज पे आया, मैं कैसे क्या इस वाली किसी साइट पे गया, देखिए यहाँ पे भी ये देखिए दो साइट्स हैं, आपका लिंक है, आप इस पर क्लिक करेंगे दूसरे में पहुँच जाएंगे। यहाँ पे भी देखिए दो हैं, एक हब है, यहाँ पहुँचे, मीन्स आप एक इंटरनेट की तरह किसी भी वेब पेज में आप, आपके लिए ये कह सकते हैं छोटा सा इंटरनेट एक तैयार हो चुका है, आप कहीं भी जा सकते हैं। और कॉन्सेप्ट इसका इतना क्लियर होना चाहिए कि अगर आप में नेट चल रहा है तो कोई भी लिंक अगर आप चाहें तो वो एक्सेस हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे देखिएगा, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, ओके, और मैं यहाँ से एक लिंक लेता हूँ, ये चलिए मैं एक लिंक लेता हूँ, किसी वीडियो की लिंक ले लूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये मेरी ये वीडियो है, इसका ये लिंक है। हेलो गाइस, और चलिए आज से चलिए मैं नोट पैड पे गया और ये अपना देखिए ए वाला भी पेज है, यहाँ पे कहीं पे भी जाके मैं करता हूँ AHREF एंड देन वो वाली लिंक मैं अगर यहाँ पे पेस्ट कर दिया।
where to go for video. चलिए मैं इसे सेव करता हूँ। मैंने सेव किया, डेस्कटॉप पे गया, ये देखिए एक लिंक और आ गई ना, क्लिक हेयर टू गो फॉर वीडियो। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए आपके सामने YouTube का वही वाला वेब पेज ओपन हो जाएगा, मीन्स वही वाला चैनल ओपन हो जाएगा जिस पर वो अपनी वीडियो प्ले हो रही होगी। ये देखिए अपना वीडियो प्ले हो रहा है। हेलो गाइस, चलिए इसके अलावा अगर आप अपने वेब पेज पे चाहते हैं कि जो आपका गूगल क्रोम है उसमें से जो आपका सर्च इंजन है गूगल का google.co.in, ये आपका वहाँ पे लिंक्ड हो जाए, तो आपको करना क्या होगा, इसकी URL आपको कॉपी करनी है। ये आपने कॉपी की इसकी URL, देन जाइए आप अपने वेब पेज पे, उसके कोडिंग पे जाइए और सेम प्रोसेस यहाँ भी यूज कर दीजिए, AHREF, देन आपको इस टाइप से पेस्ट कर देना है, डिपॉजिट यहाँ पे लिख दीजिए, गूगल। ओके, इसे सेव करते हैं। मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि जो आप यहाँ पे ये देखिए ये लिखे हैं गूगल लिखे हैं, इससे कोई मतलब नहीं रहता है। यहाँ पे आप अगर कुछ गलत भी लिख देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे अगर कोई भी रोल होता है, सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ता है वो पड़ता है आपका ये URL का, या फिर जो आप का जो कोई वेब पेज है जो आपके सिस्टम पे ही है, तो जो आपकी फाइल होती है वेब पेज होता है, इसका फ़र्क पड़ता है। तो चलिए एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं कि हम गूगल के वेब पेज पे पहुंचते हैं क्या हम। ओके, हम यहाँ गए, ये देखिए यहाँ पे एक गूगल भी आ गया है। चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये देखिए अपने सामने गूगल का वेब पेज ओपन हो गया है। हाइपरलिंक जो आपका HTML में, DCMA में, PGDC कोर्स में भी है, तो ओवरऑल सारा कॉन्सेप्ट इसी पे डिपेंडेंट है। उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाया हूँगा, एंड थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस।